हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैं, स्वागत है दोस्तों सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों किस तरह से हम अपना मतलब YouTube के जो सब्सक्राइबर होते हैं दोस्तों सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों हमारे चैनल पे, अगर मतलब हमारा कोई नया चैनल है तो हमारे चैनल को कोई भी नहीं जानता और हमारा सब्सक्राइबर मान लीजिए 6 या 5 सब्सक्राइबर है हमारे पास, तो किसी को भी मतलब वीडियो देखते ही बेकार लगता है कि इसका तो नया यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर भी बहुत लो है इसका, 6 सब्सक्राइबर है। तो उसी तरीके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बड़ा यूट्यूबर की तरह दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को मतलब हाइड कर सकते हैं और लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो देखता है तो लगेगा कि ये भी अच्छा यूट्यूबर है जो कि बहुत ही अच्छा एडिट करता है यार, तो मतलब आपका जो भी चैनल है वो उस पर ध्यान देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम अपना जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइड वाले मोड को ऑन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप साइड मोड को ऑन कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको यूट्यूब जो आपका है देख सकते हो, यहाँ पर आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपका डेस्कटॉप साइड मोड ऑन करने के बाद आपका YouTube कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पर देखेंगे आपका चैनल का लोगो होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका चैनल आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो है कस्टम चैनल लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका YouTube स्टूडियो जो है आपका क्रोम ब्राउजर पर ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने जो है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर बहुत सारे आपका जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पर से आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ देख सकते हो एक सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप हाथ से जूम कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे। तो आपको जनरल पे है तो वहाँ से आपको चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ पर से फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइबर काउंट वाले ऑप्शन पर टिक लगा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर से आपको बस अनटिक कर देना है एंड आपको क्या करना पड़ेगा, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से आप अगर सेव कर दिए तो यहाँ पर से जो है आपका जो सब्सक्राइबर है वो हाई। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।